तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कुछ भी सुनने से पहले पहले आप ये सुन लीजिए। वो तो इस पर डिपेंड है, वो पूछ रहे कि आप एनिमल जैसे यूनिवर्स है, स्पाई यूनिवर्स, डॉग यूनिवर्स, ऐसा कुछ एनिमल का यूनिवर्स है। जैसे आपकी अगली फिल्म प्रभास सर के साथ है स्पिरिट, वो कॉप पिक्चर है, ये थोड़ी गैंगस्टर है, तो क्या स्पिरिट और एनिमल साथ आ सकते हैं? कभी सोचा नहीं, बट इफ इट इज देयर आई लेट यू नो। अब यहाँ पे दोस्तों आपने साफ साफ सुन लिया होगा, यहाँ पे रणबीर कपूर संदीप रेड्डी वांगा से ये कह रहे हैं कि आपकी अगली फिल्म यानी कि स्प्रिट होने वाली है और वो प्रभास सर के साथ होने वाली है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ एनिमल यूनिवर्स जैसे कि बन जाए, जैसे कि आजकल YRF यूनिवर्स बन रहा है एंड कॉप यूनिवर्स बन रहा है एंड कुछ इस तरीके का कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। तो यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा बोलते हैं कि हाँ कुछ हुआ तो हम ज़रूर करेंगे। मतलब उन्होंने हल्का सा जो हिंट दिया ना भाई, यहीं से एक चीज़ का पता लग जाने वाला है। यानी कि देखो एक इवेंट में, एक ट्रेलर लॉन्च में यहाँ पे सब लोग बैठे हैं। अब यहाँ पे कोई मजाक मस्ती या उल्टी सीधी बात तो होगी नहीं। यानी कि ये चीज़ जो सब पहले से ही प्री प्लान थी कि रणबीर कपूर कुछ ऐसी बात करने वाले हैं एंड वहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा कुछ ऐसा सा हल्का सा हिंट दे देंगे ना मीडिया में आके कि भाई यहाँ पे जो है गर्मा गर्मी स्टार्ट हो जानी है और फिर हमें बाद में जो है इतनी दिक्कत नहीं होने वाली होगी। यानी कि पहले से ही उन्होंने बता दिया। यानी कि दोस्तों साफ साफ है कि संदीप रेड्डी वांगा की जो नेक्स्ट मूवी होने वाली है प्रभास के साथ में होने वाली है और उसका नाम है स्प्रिट। और वो दोस्तों ये साफ जाहिर हो रहा है जिस तरीके से रणबीर कपूर ने कहा है कि शायद हम लोग भी एक एनिमल और स्प्रिट को मिला के कुछ यूनिवर्स का हिस्सा बन जाएं। अब अगर दोस्तों ये बात अगर सच हो जाती है तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ भाई बॉक्स ऑफिस कहाँ जाने वाला है एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री किस मोड़ पे जाने वाली है एंड हम किस तरीके का सिनेमा अब देखने वाले हैं भाई। दिल थाम के और दिमाग को जो है ना ऐसे पकड़ के हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि आज हमने जो ट्रेलर देखा है एनिमल का उससे साफ जाहिर होता है कि संदीप रेड्डी वांगा कोई छोटा मोटा डायरेक्टर भाई नहीं है। यानी कि अगर उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है कि वायलेंस क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, तो पहले तो हमने हल्के में ले लिया यार, क्या है? और जब इसके पोस्टर, ओ बाप रे, और जब टीजर आया, फिर दूसरा टीजर आया, फिर ट्रेलर आया, भाई फट के हाथ में आ गई, फट गई लोगों की यहाँ पे पूरे तरीके से। अब इस ट्रेलर को देखने के बाद में भाई बिल्कुल भी हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा है एक्चुअली में स्टोरी किस तरफ जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ ये तो पता लग रहा है कि भाई बाप बेटे का यहाँ पे कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है, लेकिन जो ट्रेलर को 3.5 मिनट का इन्होंने दिखाया है भाई वो काबिले तारीफ है। तो देखने वाली बात ये होगी कि भाई अगर प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा दोनों एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पे क्या धमाल मचेगा भाई। ऑलरेडी प्रभास तो देखो एक मासिव अंदाज में मूवी करते ही हैं एंड भाई प्रभास यहाँ पे दोस्तों भाई करते हैं पूरा एक्शन वाली मूवीज ही वो कर रहे हैं। और अगर एक ऐसे एक्शन वाले हीरो को संदीप रेड्डी वांगा जैसा डायरेक्टर मिल जाएगा तो भाई क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जाएगा। आप खुद देखो प्रभास की कोई छोटी मोटी फैन फॉलोइंग तो है नहीं। रणबीर कपूर भाई एक रोमांटिक हीरो हैं, फिर उनको लेके आए संदीप रेड्डी वांगा, एक अलग जो उन्होंने दिशा दिखाई है, तो यहाँ से रणबीर कपूर के जो फैन हैं वो और ज़्यादा बनेंगे कुछ इस तरीके वाले। प्रभास के तो ऑलरेडी भाई तैयार बैठे हैं, प्रभास के तो ऑलरेडी इसी तरीके के फैन हैं। अब अगर प्रभास करेंगे इस तरीके की मूवी तो आप खुद देखो उनका जो काम है ना और अपडेट हो जाएगा। यानी कि वो जिस तरीके की मूवी करते हैं और अपडेटेड होगी, यानी कि और उसका जो एक वर्जन होगा वो बड़ा वर्जन हो जाएगा। अब ये तो मूवी में देखने के बाद पता लगेगा कि मूवी का वर्जन एक्चुअली में हम क्या नंबर उसको दें, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा भाई साफ हमें जो है बता दिया है उन्होंने कि अपनी इस मूवी से कि मैं अगर कबीर सिंह जैसी नॉर्मल स्टोरी को ऐसा फाड़ू स्टोरी दिखा के आपको जो है हिला सकता हूँ भाई, मैं बाप बेटे के एक बॉन्ड रिश्ते को, एक नॉर्मल रिश्ते को जो हर किसी के घर में मौजूद है। और ये एक ऐसी मूवी दोस्तों इन्होंने बनाई है संदीप रेड्डी वांगा ने कि जो एक हर कोई कहे कनेक्ट कर जाएगा। उन्होंने एक ऐसी स्टोरी को इतना जो है उसमें इतना कनेक्शन और इतना कन्फ्यूज़न एंड उतना सनकीपन एंड इतना जो है साइको सब कुछ दिखा दिया, वो भाई काफ़ी दोस्तों देखने लायक है। अब देखने वाली बात होगी संदीप रेड्डी वांगा भाई इस मूवी की रिलीज़, मतलब रिलीज़ होने के बाद में फिर स्प्रिट पे वो काम करेंगे। हालांकि एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो देखो हो ही चुका है स्प्रिट का,
अब इंतजार हो सकता है सलार के बाद में कल की आनी है प्रभास की, फिर प्रभास की इसके बाद में मुझे लग रहा है यही मूवी आनी है, क्योंकि आई थिंक क्योंकि अभी प्रभास गए हुए थे, अब आ चुके हैं इंडिया में, अब देखने वाली बात होगी सलार की रिलीज के बाद में हो सकता है वो दोबारा से कल की शूटिंग में जाएं और उसके बाद में फिर जब वो शूटिंग कंप्लीट हो जाए फिर वो स्प्रिट पे काम करें। चलो ये है कि हम यही सोच रहे थे कि प्रभास की कल की मूवी आने के बाद में कौन सी अगली मूवी होने वाली है, तो यहाँ से साफ हमें पता चल चुका है कि प्रभास की नेक्स्ट मूवी स्प्लिट होने वाली है जिसको डायरेक्ट करेंगे संदीप रेड्डी वांगा। दोस्तों न्यूज़ बहुत ही खूबसूरत है एंड बहुत ही लाजवाब है भाई, मज़ा आ गया। जितने भी प्रभास के फैंस हैं भाई उनके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और जब से ये बात पता लगी है ना भाई, जब ही से ना ये चीज़ ट्रेंडिंग पे जा रही है, मतलब यह है कि स्प्लिट मूवी कभी ऊपर आ जाती है तो कभी कोई उससे बड़ा कोई ट्रेंडिंग वर्जन आता है तो वो उस ऊपर चला जाता है, लेकिन ट्रेंडिंग में बराबर वो अभी भी बनी हुई है। फिलहाल दोस्तों न्यूज़ बहुत अच्छी है, आपको कैसे लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। अभी तक लेते हैं।